उत्तराखंड के जंगल सुलग रहे हैं। 3 और 4 अप्रैल यानी 2 दिन में साग से 4 इंसानों और 7 जानवरों की मौत हो चुकी है। पूरे प्रदेश में 964 जगहों पर आग लगी हुई है। करीब 65 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में है। सरकार के मुताबिक 37 लाख की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस आग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है। हालात की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2 हेलीकॉप्टरों की भी व्यवस्था की है जिनसे आग बुझाने का काम किया जाएगा। वहीं वन विभाग के मुताबिक 37 लाख रुपए की वन संपदा जल चुकी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नुकसान इससे कहीं बड़ा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग अलग जगहों पर आग भड़की हुई है, जिससे जानवरों के चारे की समस्या पैदा हो गई है और साथ ही आबादी वाले इलाकों में भी ये डर है कि जंगली जानवर निकलकर रिहायशी इलाकों में आ सकते हैं। आग लगी है और जिसमें 964 स्थानों पर पूरे प्रदेश के अंदर आग लगी है। इसमें 7 पशुओं की मृत्यु हुई है जो हमारे घरेलू पशु हैं और 4 लोगों की भी इसमें मृत्यु हुई है और लगभग 2 लोग घायल हुए हैं। इस तरह ये सुस्तों की हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती इस समय मौसम के कारण जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, बारिश नहीं हो रही, इसके कारण प्रदेश सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अभी मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं भी आज श्रीनगर में इस आसपास के पूरे एरिया के वन विभाग के अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और मैंने एक निवेदन किया है कि सारी वन पंचायत, मैंने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से भी प्रमुख वन संरक्षक को कहा है कि वो स्वयं चाहे छुट्टी का दिन हो चाहे रात दिन पूरे प्रदेश में मॉनिटरिंग करें कि किस तरह हम आग पे काबू पा सकते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी हम बहुत चिंतित हैं। हमारी कोशिश होगी कि हेलीकॉप्टर से भी हम जंगलों में लगने वाली आग को कैसे काबू पा सकते हैं। बहुत ऊंचाई पर जहाँ किसी का इंसान का चढ़ना संभव नहीं है, वहाँ हम हेलीकॉप्टर से भी अगर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए